अब बताओ माँ कहाँ है? बताओ तो माँ कहाँ है? लड़का माँ कहाँ पे? माँ का लल्ला कौन है? माँ का लल्ला कौन है जल्दी से बता दो, ठीक से बताया गाना, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है माँ का लल्ला? ये हाथ दिख रहा है, अरे राम हरे राम। ये देखो आजकल के बच्चे, आजकल के बच्चे देखो, अरे बाबा रे। हेलो गाइज, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स। आज है गणेश चतुर्थी, हैप्पी गणेश चतुर्थी आप सबको। और मेरे यहाँ तो गणेश चतुर्थी मतलब घर में तो सुबह पूजा मैंने कर लिया था, मंदिर में जैसे पूजा करते हैं वहीं गणेश जी का भी पूजा हो गया था, बस ऐसे ही करते हैं, मतलब कि मूर्ति बैठाते नहीं हैं यहाँ, मतलब कि बिहार में या फिर राजस्थान में घर घर में मूर्ति नहीं बैठाते, कोई कोई घर ऐसा होता जहाँ अभी बैठाना शुरू हो गया है, तो पहले जैसे ऐसे ही पूजा हो जाता था नॉर्मल सा, अब मेरे यहाँ भी ऐसे ही होता है, तो मैंने सुबह कर लिया था। मैंने वीडियो अपना शाम से शुरू किया आज, क्योंकि हम जा रहे हैं मंदिर, यहाँ पंडाल भी बना है, मूर्ति भी बैठा है, वहीं जा रहे हैं। वैसे तो शाम में 7 बजे के बाद वहाँ आरती होगा, पर शाम में 7 बजे के बाद जाना मुझे ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं अभी शाम के 4:30 या 5 बज रहे होंगे, तो हम लोग अभी पूजा करके आ जाएंगे। आरती तो शाम में होगा, मतलब कि वहाँ पूजा होगा, भीड़ तो शाम में ही होगा, पर हम लोग अभी जा रहे हैं, क्योंकि पीयूष के पापा तो जाते नहीं हैं। मेरा तो यही रहता है, या तो पीयूष के पापा जाए या फिर मैं जाऊँ, दोनों में से एक ही जा सकते हैं, एक को दुकान में रहना ही पड़ता है, तो फिर हम ही जा रहे हैं, पीयूष लकी और मैं जा रही हूँ। तो तैयारी तो हो गया है, हम जाने का पूरा तैयारी है मेरा कंप्लीट, केवल पीयूष लकी को थोड़ा सा चेहरा में क्रीम लगा देते हैं, इनका चाचा जी ने जो क्रीम दिया था वही कभी कभार लगाते हैं, रोज़ रोज़ लगाने का आदत नहीं है, इसलिए अभी भी उसमें खूब सारा रखा हुआ था, वही मैं लकी को बोल रही थी, लकी गर्मी में तो लगाया नहीं जाता है, ठंड का मौसम में थोड़ा सा मुँह सूखा सूखा रहता है तभी लगाया जाता है, तो आज भी उस लकी का मुँह अभी धो के सूखा सूखा लग रहा था तो मैंने लगा दिया। मैं लकी को बोल रही थी लकी लगा लिया करो, इसीलिए ख़त्म हो जाएगा नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएगा रखे रखे में, ये लकी बोल, क्योंकि ये लगाते नहीं है जल्दी से, रखा हुआ था अंदर, आज मुझे सामने नज़र आ गया तो मैंने लगा दिया चेहरा पे। और उसके बाद हम पहुंच गए हैं मंदिर, सबसे पहले हम मंदिर ही जा रहे हैं, पंडाल यहीं बना हुआ है, फिर गणेश मंदिर जाएंगे, पहले यहीं पंडाल बना है गणेश जी का, अब मंदिर दूसरी जगह है, जो अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ मेला जैसा लगा हुआ, मतलब ठेले जो लगे हुए हैं सामने, यहाँ भीड़ अच्छा भीड़ होगा, पर यही हम लोग जल्दी आ गए हैं, खाने पीने का भी यहाँ पूरा ठेला लगा हुआ है, पूरा मेला जैसा ही लगेगा, रात में भीड़ होगा इसका अच्छा भला, पर यही हम रात में तो आ नहीं सकते इसलिए हम शाम में आ गए हैं, शाम के 5 बजे, इतना ज़्यादा तो भीड़ नहीं है, फिर भी पूजा शुरू है यहाँ, मतलब कि पूजा हो रहा है, पहले हम मंदिर जाएंगे फिर पंडाल में जाएंगे, क्योंकि आए तो आखिर मंदिर में ही है, तो पहले मंदिर जाना, मंदिर में दर्शन करना ठीक रहता है, अच्छा रहता है, आपको भी करवा देते हैं यहाँ, आप भी बहुत बार आए हैं मेरी वीडियो में, आपने बहुत बार देखा ये वाला मंदिर, क्योंकि ज़्यादातर हम यहाँ आते हैं, इसलिए आपको भी दर्शन करवा देते आते हैं तब। यहाँ राम लक्ष्मण और सीता मैया का फोटो लगा हुआ है, नीचे बजरंगबली का भी शायद है, दिखाई नहीं दिया इसमें। उसके बाद हम यहाँ का पूजा करने के बाद अभी जा रहे हैं पंडाल में, पंडाल देख लीजिए बहुत बड़ा पंडाल है, मतलब कि अभी से तैयारी शुरू है, आना जाना भी अभी से शुरू हो गया है, भीड़ उतना ज़्यादा नहीं है पर आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो हम भी यहाँ देखिए दिए रखे हुए हैं, ऐसे ऐसे दिए खूब, मतलब कि कम से कम 8-10 जगह रखे हुए हैं, क्योंकि सामने आरती में ये दिए सब जलेंगे, खूब अच्छा आरती होगा, पर यही है कि मैं आ नहीं पाती हूँ, यहाँ का रियल आवाज़ मैं आपको सुना नहीं सकती, क्योंकि आप सबको पता है जहाँ पूजा होता है वहाँ तो भजन चलता ही है, इसीलिए नहीं तो रियल आवाज़ यहाँ का सुनाओ तो और अच्छा लगता है। यहाँ देखिए यहाँ तैयारी चल रहा है शाम के लिए, खूब मतलब कि सब जगह ऐसा ही कोना कोना पर रखा हुआ था। इसके बाद हम पहुंच गए हैं, पूजा कर लेते हैं, आप सब भी गणेश जी के दर्शन कर लीजिए, मेरे यहाँ अच्छा मतलब बड़ा पंडाल यही होता है, और छोटा मोटा तो सब जगह होता ही है, सबसे बड़ा यही होता है मंदिर के, खूब बड़ा जगह भी है, यहाँ दुर्गा पूजा भी होता है, दुर्गा पूजा तो बहुत मतलब अच्छे से मनाया जाता है यहाँ, मेरे यहाँ बगल में भी होता है, पर गणेश पूजा ज़्यादातर यही होता है, और तो जगह जगह होता तो वहाँ हम नहीं जाते हैं, केवल यहीं आते हैं। आप सभी गणेश जी को दर्शन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, बहुत अच्छा मूर्ति लग रहा है, बहुत सुंदर मूर्ति है। इसके बाद ये पंडाल है, कितना बड़ा पंडाल है देख लीजिए, पीयूष आपको दिखा रहा है, बहुत बड़ा पंडाल है, और रात में इसमें आदमी मतलब कि बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। इसके बाद हम मतलब कि पूजा कर रहे हैं, पीयूष वीडियो बना रहा है, पीयूष का यही रहता है, पीयूष वीडियो बनाता तो पीयूष का वीडियो बहुत कम बन पाता है, उसका कोई बनाने वाला नहीं रहता है, इसीलिए
अब वैसे तो गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से मनाया जाता है, वहाँ का बहुत अच्छा अच्छा मतलब कि टीवी में भी देखते हैं, वीडियो भी सबका आ रहा है, सब कोई बिजी हैं। एक मेरी सिस्टर है वो तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, पर इंतज़ार है उनकी सबकी वीडियो का कि गणेश चतुर्थी का उनका वीडियो आएगा तो देखेंगे। हम लोग के यहाँ तो ऐसे ही मनाया जाता है, साधारण सा यही है, जो बड़ा पंडाल बनता है तो यहीं हम लोग आ जाते हैं, हर साल पूजा में यहीं आ जाते हैं। उसके बाद हम बैठ गए हैं पूजा में, लक्की को लग रहा है तिलक, इसको बहुत शौक रहता है, पूरा माथा में जो लगता है ना चंदन का, उस इस लक्की को बहुत ज़्यादा शौक रहता है। लक्की को संजोग से बिना बोले लग भी जाता है, पीयूष का ऐसा होता है, पीयूष को नहीं लगता है, वो बेचारा पीछे रह जाता है केवल पीयूष। यहाँ का सजावट बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है, गणेश जी के आगे का जो सजावट किया, यह देखिए मूसक राजा, मतलब कि बहुत अच्छा है। ये देखिए कितना बड़ा लड्डू है, मैं पीयूष को बोल रही थी पीयूष दिखा दो इस बार कितना बड़ा लड्डू, पीयूष बोल रहा था मुद्दा का मुझे तो लड्डू जैसा ही लग रहा था। इसके बाद हम गणेश मंदिर आए हैं, यहाँ देखिए ये गणेश मंदिर है, यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, क्योंकि भीड़ तो ज़्यादातर वहीं है, यहाँ तो बिल्कुल भीड़ नहीं, एक दो आदमी आ जा रहे हैं, उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ। फिर गणेश चतुर्थी के दिन मेरे यहाँ लड़का लोग का सिंदारा होता है, जैसे लड़का का सिंदारा होता है तो पीयूष लक्की खूब खुश है, क्योंकि पीयूष लक्की का सिंदारा है, तो उसी के लिए भी थोड़ा सा इनको ज़्यादा खुशी चढ़ा हुआ है कि मंदिर से जाने के बाद इनका सिंदारा करेंगे। हम आपको दिखाएंगे आगे वीडियो में कि हम कहाँ जाएंगे, जो पीयूष लक्की का मेरा भी फेवरेट है। हेलो हेलो भाई, हम लोग का पार्टी चल रहा है अभी, हम लोग का सिंदारा है, आज हम लोग टीवी देख रहे हैं। गाइस आप भी कर देखो, आपको खिला रहा है। इसके बाद बच्चों का पार्टी चल रहा है, जो कि उसने आपको बताया है, पहले कचौरी समोसा खाया है, उसके बाद चाउमीन लेके आए तो चाउमीन खा रहे हैं, फिर भाभी और मैं और भाभी की मम्मी आई हुई हैं, वो भी यहीं बैठे हुए हैं। हम लोग का भी नाश्ता पानी चल रहा है, पर मैंने इन्हीं का वीडियो बना दिया, हम लोग का वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि गाँव में तो आज के दिन गणेश चतुर्थी के दिन मेला लगता है, तो सब कोई मेले में जाते हैं तो वहीं इंजॉय कर लेते हैं, यहाँ तो मेला नहीं होता, पूजा होता, पंडाल होता, तो वहीं मैं पीयूष लक्की को ले आती हूँ, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा इंतजार रहता है, दो दिन से खुश थे मम्मी सिंदारा है, इसलिए मैं यहाँ ले आई हूँ। मामी कर भी देती है बहुत अच्छे से, इनका मामी मामा कर भी देते हैं, पहले मिठाई दिलवा के लेके आए थे, क्योंकि मंदिर दोबारा से पीयूष लक्की फिर मामा मामी के साथ मंदिर गए थे, तो वहीं से मिठाई भी लेके आया था, खा लिया, और उसके बाद चाउमीन खा रहा है, मतलब कि यहाँ आने के बाद खा ही रहा है, कभी कुछ यही हो रहा है, यहाँ आने से खुश भी रहता है पीयूष लक्की, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, तो मैं यहीं ज़्यादातर त्यौहार बार में ले आती हूँ, भाभी बुला भी लेती है। इसके बाद हम घर आ चुके हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ पीयूष लक्की को क्या चीज़ का टेंशन था, जल्दी जल्दी आने का था हम लोग को। यहाँ देखिए दोनों पढ़ने के लिए बैठ गए हैं, क्या कि सर आने वाले थे, हम 7 बजे 7:15 बजे घर आ गए थे, क्या कि सर को बोल के गए थे कि 7 बजे बाद आप आ जाइएगा, तो सर का आने का इंतज़ार हो रहा है, तैयारी हो रहा है, मतलब कि पढ़ाई हो रहा है, कि सर ने जो काम दिया वही बना रहा है, अपना कपड़ा चेंज इनका हो चुका आने के साथ में, यही 10-15 मिनट हुआ, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। मम्मी भी बाहर लेटी हुई है, सॉरी क्या कि आज बाहर नहीं गई है मम्मी, दुकान में जाके बैठ जाते थे, आज दुकान में नहीं गई है, यहीं लेटी हुई है। पीयूष लक्की का पढ़ाई चल रहा, मैं भी अपना काम में लगी हुई हूँ, यही किचन का थोड़ा सा हल्का पुल्का कर, अभी 8:30 बज रहे हैं, अब मुझे आयु हो गया 1 घंटा लगभग हो गया, मैंने ज़्यादातर काम भी अपना समेट लिया है, वही दूध गर्म करना, बर्तन लगाना, कपड़ा समेटना, पीयूष लक्की अपना पढ़ाई कर रहा है। खाना मुझे बनाना नहीं था, क्या कि खाना हम लोग वहाँ से खा के आए थे, मम्मी के पीयूष के पापा के लिए ले आए थे, तो वही पीयूष के मम्मी पीयूष के पापा ने एक बार के लिए तो खा लिया है, क्या क्या आती गरम गरम था, तो मम्मी ने भी खा लिया, पीयूष के पापा ने भी खा लिया, तभी तो किसी का खाना खाने का मन भी नहीं है, तो खाना नहीं बनाना था, तो मैंने अपना एक्स्ट्रा का जो काम रहता है वही कर लिया है, कपड़ा समेटना मैं लास्ट में करती हूँ, मैंने सोचा भी कर लेती हूँ, कपड़ा मेरा भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि थोड़ी देर बाद करूँगी ना, तो फिर बार बार नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो 10 मिनट पहले दूसरा करो, फिर मैं रात में दूसरा चेंज करके सोती हूँ, इसीलिए गर्मी में वही कपड़ा में नींद नहीं आता है, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया, सॉरी आधा घंटा बाद ही करूँगी। अभी उस लकी सर का इंतज़ार कर रहा है, 1 घंटा से इंतज़ार, आधा घंटा पौन घंटा से इंतज़ार कर, अभी तक सर नहीं आए हैं, अब 8:30 बज गए, अभी तो आएंगे भी नहीं मेरे ख्याल से, क्या कि उतना लेट से नहीं आते, अगर आते तो 7:30-8 बजे के बीच में आ जाते हैं, पर अभी मुझे नहीं लगता कि आएंगे। अब मैंने सोचा थोड़ी सी देर आपसे बात कर लेती हूँ, पूरा वीडियो हम लोग घूम फिर के आ गए हैं, कहाँ कहाँ गए थे वो मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है, क्या कि इसी समय पूजा होगा, अभी 7 बजे से पूजा था, पर मैं 7 बजे वापस ही आ गई थी, और रात में लेट तक अकेले रहना मुझे ठीक नहीं लगता, इसलिए पूजा होने से पहले हम लोग जाके आ गए हैं, कल भी पूजा होगा, देखती हूँ पीयूष के पापा जाएंगे तो, पर मौका टाइम मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो बोलूँगी नहीं कि फाइनल है, हम लोग तो आज जाके आ गए हैं, और उसके बाद मेरे यहाँ लड़का का आज के दिन सिंदारा भी होता है, तो वो भी ज़्यादातर इनका मामी करती है,
तो मामी के यहाँ करके आते हैं हर साल। मामी तो मेहंदी लगाने के लिए बोल रही थी, पर मैंने बोला कि ना रात में लगा के घर जाएंगे तो बाद में ठीक नहीं, मेहंदी लगा के रात में घर जाना ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने लगवाने नहीं दिया। मामी तो मेहंदी भी लगाने वाली थी इसकी। अभी मेरा सब काम कम्प्लीट है, इस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।